हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जीके विद वीके में। दोस्तों, पिछली ट्रिक्स की तरह आज भी मैं एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूं आपके लिए। अक्सर परीक्षाओं में इससे संबंधित एक प्रश्न आता है, विश्व की प्रमुख जनजातियां और वो कहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो आज की ट्रिक में भी दोस्तों हम कुछ याद नहीं करेंगे, यानी रट्टा नहीं मारेंगे, बार बार दोहराएंगे नहीं, सिर्फ वर्ड टू वर्ड कोरिलेट करेंगे या फिर कोई एक लॉजिक मैं बताऊंगा उसको आपको ध्यान में रख लेना है। ध्यान से वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये आपको कैसे याद हो गया। ठीक है, तो चलिए हम अपनी ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट कॉलम है, ये जो फर्स्ट कॉलम है दोस्तों मैंने दिया है प्रमुख जनजातियों का नाम, और ये जो सेकेंड कॉलम है यहाँ पर है वो क्षेत्र या देश जहाँ से ये जनजातियाँ संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्किमो, एस्किमो यहाँ पे देखिए, इसमें मैंने पहले भी बताया था कि हमको अपने प्रश्न से ही उत्तर निकालना है, इसलिए हम इस शब्द में ही एक ऐसा शब्द ढूंढेंगे ताकि ये अपने आप अपना उत्तर ढूंढ कर बता दे हमें। तो एस्किमो में एक ऐसा शब्द है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्कीमो। ठीक है, स्कीमो यानी स्कीम, आपने सुना होगा कि 50% का ऑफर है, अच्छी स्कीम है, चलिए हम वहाँ पे जाके शॉपिंग कर लेते हैं या कुछ खरीद लेते हैं, तो स्कीम होती है, वो स्कीम कहलाती है। ठीक है, स्कीम। अब स्कीम हम मान लेते हैं कि ग्रीनलैंड नाम का कोई एक ऐसा क्षेत्र है, ग्रीनलैंड, ठीक है, हरा भरा सा बहुत प्यारा सा लैंड है, वहाँ पे कुछ फ्लैट कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, कुछ फ्लैट बने हैं या बिल्डिंग्स बनी हैं या घर बने हैं, और उनको वितरित किया जाना है, यानी बांटना है। किसको बांटना है? जो लोग काने हैं, यानी जिनको एक आंख से दिखाई नहीं देता, तो ऐसी कोई स्कीम है। ठीक है, ऐसी कोई स्कीम है। तो कैसी स्कीम है? ग्रीनलैंड जैसा कोई क्षेत्र है, वहां पे काने लोगों को मकान दिया जाना है, तो ये कोई स्कीम है, बस आप इतना ध्यान रखिए। इसके बाद अब एस्किमो जैसे ही आएगा आपको फट से याद आ जाएगा, ग्रीनलैंड और कनाडा। एस्किमो ग्रीनलैंड और कनाडा की प्रमुख जनजाति है। फिर आ जाइए किर्गीज। किर्गीज में दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे किर्गीज से एक वर्ड निकलता है, खरगोश। ठीक है, किर्गीज, खरगोश। अब खरगोश, आपने बचपन से एक कहानी पढ़ी होगी खरगोश और कछुए की, जिसमें खरगोश और कछुए रेस लगाते हैं और क्या होता है कि खरगोश दौड़ते दौड़ते रेस पूरा किए बिना मध्य में यानी बीच में ही जाकर रुक जाता है, रेस्ट करता है, सो जाता है, यानी ऐश करता है। तो रेस के मध्य में खरगोश ऐश करता है, इसलिए क्या होता है, लास्ट में जाकर हार जाता है। तो किर्गीज मध्य एशिया, ऐश। ठीक है, मध्य यानी बीच रेस के, ऐश, बीच रेस में ऐश किया उसने। ठीक है, तो किर्गीज मध्य एशिया। इसके बाद आ जाइए माओरी। यहां पे देखिए माँ, ठीक, माँ, माँ क्या हमेशा बोलती है, जीले, बेटा जीले, हमेशा आशीर्वाद देती है ना, बेटा जीले, जीले। अब जीले से बनता है आपका न्यूजीलैंड, न्यूजीले। ठीक है, न्यूजीले, न्यूजीलैंड। तो माओरी कहां की जनजाति होगी? न्यूजीलैंड की। दोस्तों बस आप समझते जाइए, ध्यान से बस पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको हो सकता है अभी लग रहा हो कि कठिन है या याद नहीं आएगा, लेकिन आपको सब कुछ अपने आप याद आता जाएगा। आप लास्ट में चाहें तो चेक कर सकते हैं, आज मैं टेस्ट तो नहीं लूंगा, लेकिन आप, मुझे यकीन है कि आप जब दोबारा इसको देखेंगे, एस्किमो, ग्रीनलैंड, कनाडा, किर्गीज, मध्य एशिया, बिल्कुल आपको वो लॉजिक आपके दिमाग में अपने आप याद आता जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में से आप किसी परीक्षा में अगर प्रश्न आएगा तो आप तुरंत हल कर पाएंगे। फिर देखते हैं दोस्तों मसाई। ठीक है, अब यहाँ पे तीन चीजें देख लीजिए, मसाई, नीग्रो, इंका था, है ना, मसाई। इसमें एक वर्ड निकालिए, मसा, मसा। आप जानते होंगे मसा किसी को हो जाता है बॉडी में, फेस पे, तो उसे क्या होती है, फिक्र हो जाती है। कैसी फिक्र हो जाती है? पहले ही फिक्र होने लगती है। ठीक है, कि अभी मेरी इतनी कम उम्र है, अभी से चेहरे में मसा हो गया, मेरे आगे चल के मेरा फेस खराब हो जाएगा। तो मसा यानी पूर्व, पहले से ही फिक्र होने लगती है, पूर्व अफ्रीका। ठीक है, पूर्व अफ्रीका। इसके बाद देखिए नीग्रो, नीग्रो, नी यानी नहीं, ग्रो यानी, ग्रो यानी बढ़ना या उठना। ठीक है, तो अगर किसी का ग्रो ना हो, ग्रो से तो हो गया उठना बढ़ना, नीग्रो यानी नहीं हो रहा ग्रो, तो कब उसे मध्य में फिक्र होगी। ठीक है, अपनी आयु के मध्य में फिक्र होगी, बचपन में तो होगी नहीं, ग्रोथ नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे चल के हो जाएगी, बुढ़ापे में होनी नहीं है, तो कब होगी, मध्य में होगी, यानी जब वो युवा रहेगा। फिर आ जाइए इंका था, इंका था, इंक, यहां से एक देखिए वर्ड निकलता है इंक। ठीक है, बहुत कॉमन वर्ड निकालूंगा, जो कोई भी इसको पढ़ेगा तो उसके मन में भी यही वर्ड निकलेगा, तो इंक यहां पे निकलता है। अब इंक, अगर किसी के कपड़े पे इंक गिर जाए तो उसे क्या होगा, क्षण भर के लिए फिक्र होगी। ठीक है,
दक्षिणी अफ्रीका क्षण भर के लिए फिक्र होगी, क्योंकि बाद में तो वो धो लेगा, उसे मशीन में डालेगा और धुल के उसका इंक छूट जाएगा, है ना। तो क्षण भर की उसे फिक्र होगी। इसके तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, मसाई पूर्वी अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है, नीग्रो मध्य अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है, और इनका था दक्षिणी अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है। फिर आ जाइए वेदास में, ठीक है, वेदास। अब वेदास में दोस्तों ध्यान दीजिए, वेदास, वेदा, भद्दा, भद्दा, है ना, वेदा, वेदा यानी भद्दा, भद्दा यानी गंदा, ठीक है। तो गंदा, गंदे लोग कहाँ रहते थे, श्रीलंका में। क्यों? क्योंकि वहां पे रावण रहता था, गंदे भद्दे लोग, राक्षस दैत्य रहते थे। तो भद्दा श्रीलंका, भद्दा कहाँ पे रहता था, श्रीलंका पे, है ना। या फिर एक दूसरा लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हैं, वेद, शुरू में देखिए यहाँ पे वेद है ना, वेद, वेद का ज्ञाता कौन था, वेद पुराण ये सब का बहुत बड़ा ज्ञाता था रावण, जो कि श्रीलंका में रहता था। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, वेदास कहाँ की जनजाति हो गई, श्रीलंका की। फिर आ जाइए सेमांग, सेमांग, से हटा दीजिए, मांग बन जाता है यहाँ पे, मांग, क्या मांग, अक्सर गांव में देखिएगा लोग जाते हैं एक दूसरे से मवेशी मांगते हैं, ठीक है, मेरे यहाँ बकरी नहीं है, मेरे यहाँ गाय नहीं है, तुम एक गाय हमको दे दो, ठीक है, एक भैंस दे दो, या एक कुछ भी, सपोज मवेशी, अब मांग, क्या मांग, मवेशी मांग, क्या मांग, मवेशी मांग, बस इसे ध्यान रखिएगा, से मांग, गांव में अक्सर मांग होती है किसकी, मवेशी की, ठीक है। फिर आ जाइए युकाधिर, युकाधिर, ये एक इससे मिलता जुलता शब्द है, युगांधर, युगांधर या युगंधा हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि साइबर में लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, साइबर में, साइबर समझ रहे हैं, इंटरनेट से रिलेटेड, अभी आप देखिए पढ़ाई भी कर रहे हैं तो इंटरनेट की वजह से ही कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो देख रहे हैं इंटरनेट की वजह से, तो साइबर, साइबर क्राइम भी बढ़ गया है, अब साइबर क्राइम बढ़ गया है तो युग अंधा होते जा रहा है, ठीक है, पूरा युग उसी की वजह से अंधा होते जा रहा है, तो युकाधिर, युगांधर, साइबेरिया, साइबर की वजह से, ओके। वही सेम चीज यहाँ पे तार तार, तार तार यानी तहस नहस होना, ठीक है, तार तार हो गया, आपने भी सुना होगा, सब कुछ तार तार हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि साइबर क्राइम की वजह से किसी ने कोई पैसे जोड़े होंगे बैंक अकाउंट में और एक अपराधी ने साइबर क्राइम करके उसके सारे पैसे निकाल लिए, ठीक है, या चोरी कर लिए, तो उसका जीवन पूरा तार तार हो गया। तो यहाँ पे ये लॉजिक आप ध्यान रखिएगा, हालांकि आपको याद आ जाएगा, ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर देखिए आइनू, आइनू से क्या बन जाता है, आईना। अब आईना अगर किसी बड़े व्यक्ति के सामने कोई पान खा के आ जाए, वो सपोज हमारे पिताजी हैं या बड़े भाई हैं, तो उनके आगे हम पान खा के आ जाएं तो क्या बोलेंगे, वो चेहरा पूरा लाल हो जाएगा, मुंह पूरा लाल हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, जा पहले आईना देख के, ठीक है, गुस्से में डांटेंगे और बोलेंगे जा आईना देख के। तो आइनू कहाँ की जनजाति है, जापान की, क्योंकि उसने पान खाया है और जा आईना देख के, ओके। चलिए फिर है बुशमैन, बुशमैन, अगर एक मैन बुश कर रहा है, ब्रुश कर रहा है, क्यों करेगा वो, क्योंकि उसका काला काला दांत, सॉरी दांत का कालापन हर लेगा, कौन हर लेगा, ब्रुश, ठीक है। तो बुश मैन, मैन ब्रुश कर रहा है क्यों, काला हरने के लिए, कालापन हरने के लिए, हरण करने के लिए। तो बुशमैन कहाँ की जनजाति हो गई, कालाहारी मरुस्थल की। अब कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, आप सभी को पता होगा, बोत्सवाना में, तो इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप उसे देख सकते हैं। फिर है रेड इंडियन, अब रेड इंडियन कहाँ की जनजाति है, रेड इंडियन, इसको आप बना दीजिए रेडी इंडियन, क्योंकि हमें प्रश्न से ही उत्तर ढूंढना है, ठीक है, तो इसको हम बना देते हैं रेडी इंडियन। अब रेडी इंडियन, हर इंडियन रेडी रहता है किस चीज़ के लिए, कि वो अमेरिका में फ्लाइट में चढ़े और अमेरिका में जाके उतरे, ठीक है, अमेरिका के नाम से ही हर इंडियन खुश हो जाता है, रेडी रहता है हमेशा कि हम अमेरिका जाएं और वहां उतरें, किससे उतरें, फ्लाइट से उतरें, ठीक है। तो रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ओके, उत्तरी अमेरिका। फिर हैदा, हैदा से बन जाता है हैजा, ठीक है, कोई बीमारी आप समझ लीजिए हैजा है, और हैजा अगर हो जाता तो हम किसी से भी पूछने लगते हैं कि अबे मरी क्या, मतलब हैजा था उसको, मरी क्या, अब मरी क्या, मरी का, मरी का, मेरी का, ठीक है, अमेरिका भी बोलते हैं, अमेरिका भी बोलते हैं, तो मरी क्या, मरी क्या, ठीक है, अगर हैजा हो गया तो पूछते हैं ना मरी क्या, कि ठीक हो गई। तो चलिए हैदा कहाँ की जनजाति है, अमेरिका की। इसके बाद देखिए आप पिगमीज, ठीक है, पिगमीज, पिगमीज, अब यहाँ पे दो हम लॉजिक निकालते हैं, पहला देख लेते हैं पिग, अगर आपको पिग का मतलब पता होगा, पिग यानी सुअर या स्वाइन, ठीक है, तो अगर सुअर अचानक से आके आपके ऊपर अटैक कर दे या
टच कर जाए आपको सिर्फ, तो आप क्या करेंगे, वो कीचड़ से लथपथ रहता है, गंदा रहता है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिन ढूंढेंगे, ठीक है, क्यों, हाथ धोना है आपको, तो बेसिन ढूंढेंगे। तो पिग अगर आके आपको टच कर देता है तो आप क्या करेंगे, बेसिन ढूंढेंगे, क्योंकि आपको हाथ धोना है। तो पिगमीज कहां की जनजाति हो गई, कांगो बेसिन की, वेरी गुड। दूसरा लॉजिक यहां पे है कमीज, पी काट दीजिए, गमीज को हम कमीज बना देते हैं। अगर कोई कमीज पहन ले तो कोई भी पूछेगा कहाँ जा रहे हो, ठीक है, कहाँ को जा रहे हो, कहाँ को, कांगो, कांको, कांको, ठीक है, पिगमीज कमीज तो कहाँ को, कमीज तो कहाँ को, और पिग ने छू दिया तो बेसिन, ठीक है, तो पिगमीज कांगो बेसिन, ओके। चलिए अब बोरो में आ जाइए, बोरो से एक वर्ड बनता है बोर होना, ठीक है, बोर हो गए हम, क्यों बोर हो गए, क्योंकि ऐसा बाजा बजा रहा है सिर में, ऐसा बाजा बजा रहा है। यहाँ पे देखिए ब्राजील में एक वर्ड बनता है बाजा, ठीक है, बाजा बजा रहा है कि मैं बोर हो गया। कोई भी बाजा बार बार बजाएगा तो आदमी बोर हो जाएगा। फिर है बद्दू, ठीक है, बद्दू से क्या बनेगा, मैं ऐसा वर्ड बनाता हूं जो आप सभी, जो आप भी वही वर्ड बनाएंगे, यानी आप भी देखेंगे तो वही आपके भी ध्यान में आएगा, आपके भी मन में आएगा कि इससे क्या वर्ड बनेगा। अब यहाँ पे देखिए बद्दू, बद्दू से क्या आपके मन में आ रहा है, बद्दुआ, ठीक है, बद्दुआ है ना। अब बद्दुआ से हम इसे कैसे कनेक्ट करेंगे मैं बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों अगर मेरा ये ट्रिक या वीडियो अच्छा लगता है आपको और आप ऐसे ट्रिक सबसे पहले अपने फ़ोन पे पाना चाहते हैं तो एक बार इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वहीं पर एक बेल या घंटी का निशान आ जाएगा, उसे ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जब भी ट्रिक बनाकर अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले अलर्ट मिल जाए और आप उसे तुरंत देख कर याद कर पाएँ, ठीक है। और साथ ही दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, और लाइक नहीं करते, बहुत सारे व्यूज़ होते हैं लेकिन लाइक नहीं रहता तो मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने का, इसीलिए मैं बीच में बहुत गैप कर देता हूँ, क्योंकि मन ही नहीं करता, लगता है आपको वीडियो मेरा पसंद ही नहीं आ रहा है तो फिर क्या बनाऊँ मैं वीडियो, ठीक है। तो चलिए बद्दू, बद्दू से बन गया बद्दुआ। अगर आप बद्दुआ दोगे तो कौन सुनेगा, रब सुनेगा, ठीक है, रब यानी ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी आप समझें। फिर पप्पूआंस, पप्पूआंस, अब पप्पू क्या है, अक्सर बोलते हैं ना पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया, पप्पू का मजाक उड़ाते हैं सब, ठीक है, पप्पू का मजाक उड़ाते हैं सब। तो पप्पू को एक आस है, क्या आस है, कि वो एक दिन न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा, ठीक है, इसलिए वो बहुत पढ़ रहा है, पप्पू बहुत पढ़ रहा है क्योंकि उसे आस है कि वो एक दिन न्यू गिनीज बुक का रिकॉर्ड बनाएगा, गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज कराएगा, ठीक है। तो पप्पूआंस कहाँ की जनजाति हो गई, न्यू गिनी की। इसके बाद याकू, ये तो बहुत ही आसान है, याकू से बन जाता है चाकू, और चाकू से कुछ भी काट दो तो टुंडा हो जाएगा, ठीक है, चाकू से कुछ भी काट दो तो टुंडा हो जाएगा, तो याकू से बन गया टुंड्रा प्रदेश, ओके। इसके बाद जुलू, जुलू, अब जुलू से क्या लॉजिक बनेगा, इसे आप देखिए ध्यान से, जुलूस, ठीक है, जुलूस, जुलूस किसी को भी पसंद नहीं होता है, हर व्यक्ति चाहता है कि जुलूस टल जाए, क्योंकि जुलूस अगर होता है तो क्या होता है, ट्रैफिक जाम होता है, पॉल्यूशन होता है, बहुत सारा शोरगुल होता है, तो हर व्यक्ति चाहता है कि जुलूस टल जाए। तो जुलूस से टाल, जुलू को टाल, यानी जुलूस को प्रांत से टाल, जुलूस को प्रांत से टाल, तो जुलू से बन गया नेटाल प्रांत, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। तो ये रही दोस्तों आज की ट्रिक, यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है, आप इसे ध्यान से एक बार देख चुके हैं, अब आप खुद टेस्ट कर सकते हैं, एक एक करके आप देखते जाइए, आपको बिल्कुल अपने आप ये याद आता जाएगा। और अगर ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनके भी काम आ सके, है ना। और चलिए अब मैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा, अगर अच्छे लाइक्स रहे, आप सभी ने पसंद किया, तो मैं बहुत जल्द आपको एक नया ट्रिक ला कर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।